व्हाट्सअप पब्लिक, वेलकम बैक टू अपन का यूट्यूब चैनल DBM, बोले तो डायनेमिक बाय मोइन। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस प्यारे से छोटे से व्लॉगिंग चैनल पे। तो हर बार की तरह एक और नया सफ़र, एक और नया जोश और एक और नया वीकेंड। तो ये वीकेंड हम लोग कोई राइड नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं ड्राइव। तो ड्राइव हम वैसे एक्चुअली कर चुके हैं, कल रात को हम लोग 12 बजे मुंबई से निकले थे और मुंबई से हम सीधा आ पहुँचे हैं वाई, जो कि महाबलेश्वर रोड पे है। महाबलेश्वर यहाँ से 30 किलोमीटर है। तो काफ़ी दिनों से हम लोग का प्लान चालू था एरिया के दोस्तों का, महाबलेश्वर। वैसे आप लोग को बता दूँ, महाबलेश्वर जो है, जो हमारा राहुल है उसका गांव है, तो वाई में उसका घर है। तो हम लोग कल रात को पहले 12 बजे कल रात को मुंबई से निकले थे, रात भर ड्राइव करते हुए हम लोग पहुँचे सुबह 5 बजे एंड उसके फ्लैट में हम लोग ने आराम किया है एंड थोड़ा आराम करके वहीं पर हम लोग फ्रेश वगैरह हुए हैं और निकल पड़े हैं थोड़ा वाई घूमने। तो वाई में हम सबसे पहले आए हैं, यहाँ पे काफ़ी फेमस गणेश मंदिर है, तो उसके बारे में आपको थोड़ा बताता हूँ। उससे पहले आपको बता दूँ, अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30। अभी आज हम लोग को पूरा महाबलेश्वर घूमना है। महाबलेश्वर में हम लोग ने लगभग आज से 10 पॉइंट हम लोग ने सेट किए जो आज हम लोग कवर करें, बिकॉज हम लोग का सिर्फ 2 दिन है और कल हम लोग को जाना है प्रतापगढ़। तो सब चीज़ें हम लोग कवर करनी, तो आई थिंक थोड़ा व्लॉग मेरा फास्ट जा सकता है या अदरवाइज मैं कोशिश करूँगा इसे 2 पार्ट में करने की, बिकॉज जितनी ज़्यादा मैं आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे सकूँ उतना मैं कोशिश करूँगा। तो चलिए ज़्यादा समय आप लोग का भी ना बर्बाद करते हुए बढ़ते आज के ब्लॉग की तरफ, मिलते हैं आपको 1x1 पॉइंट्स पे। तो ये रहा गाइस वो गणेश टेम्पल जिसे महागणपति टेम्पल भी कहा जाता है एंड डोला गणपति टेम्पल भी कहा जाता है। इसके अंदर की मूर्ति आपको मैं नहीं दिखा सकता बिकॉज यहाँ पे अंदर कैमरा लेके जाना अलाउड नहीं है, बट आप बाहर से देख सकते हैं काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर है गाइस इस मंदिर का, बहुत ही अच्छा बनाया गया है और बहुत ही साफ़ सुथरा है। आजू बाजू पूरी की पूरी शांति है एंड आप ये जो रिवर देख रहे हैं इसे कृष्णा रिवर कहा जाता है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी शांत जगह है, एकदम पीस ऑफ माइंड है। एक बार आपको यहाँ पे ज़रूर विज़िट करना चाहिए। तो गाइस वाई में ही यहाँ पे थोड़ी दूर में एक गाँव है, मीनावली गांव, जिसमें काफ़ी फेमस एक वाड़ा है जिसे नाना फडणवीस वाड़ा कहा जाता है। इसे 18 सेंचुरी में बनाया गया था, बट हमारा बैड लक भी ये है कि इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं ले सकते बिकॉज ये अभी फ़िलहाल बंद है। तो शायद हम लोग सुबह कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गए इस वाड़ा को देखने के लिए, बट चलिए कोई बात नहीं। तो गाइस हम लोग वाई से निकल चुके हैं। वाई में हम लोग पहले गणेश मंदिर आपको मैंने बताया, वहाँ से हम लोग जो वाड़ा गए थे उसके बारे में बताया, बट जो कि बंद निकला तो वेस्ट हो गया हमारा वहाँ पे जाना। बट वहाँ से अभी हम आगे बढ़ चुके हैं और अब हम जा रहे हैं पंचगनी। पंचगनी में हमारे पास 4 to 5 पॉइंट्स रहेंगे जो मैं आपको दिखा सकता हूँ। एक्चुअल में हमें आज रात को जाना है तापोला जो है वो एक्चुअल गाँव है राहुल का, जहाँ पे राहुल वो रहते, उनका जो पूरा फैमिली मेम्बर्स वो जो भी है उधर ही रहते। और उसके अलावा अगर जो हमारा वाई में हम आए थे, वाई में उनका एक फ्लैट था तो हम उधर ही रुके थे रात भर। तो अब जो हमारा अगला डेस्टिनेशन है पंचगनी के बाद हम आगे बढ़ेंगे महाबलेश्वर की। तो बने रहिए गाइस, अभी पंचगनी में देखते हैं हम कौन से स्पॉट्स कवर कर पाते हैं, कौन से पॉइंट्स पर जा पाते। तो गाइस जो पंचगनी का सबसे पहला पॉइंट हम कवर कर रहे हैं वो है टेबल लैंड। यहाँ पे पंचगनी का सबसे बेस्ट पॉइंट माना जाता है। वैसे मैं भी फर्स्ट टाइम आया हूँ, तो लेट्स सी क्या खास बात है इसमें। वैसे मैं आप लोग को पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता दूँ, यहाँ पे आपको पंचगनी में टिकट लेना होता है। टिकट में आपको पर पर्सन कुछ 40 रुपीज़ देना होता है, जिसके अंदर आप यहाँ पर जो भी पॉइंट्स है, टेबल लैंड, सिडनी लैंड, पारसी लैंड, ऐसे 3-4 जो मेन पॉइंट्स है यहाँ पर वो आप घूम सकते हो। अगर आपके पास टिकट नहीं है तो यहाँ के लोकल आपको अलाउ नहीं करते अंदर कोई भी पॉइंट घूमने के लिए, तो उस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। तो चलिए बढ़ते हैं टेबल लैंड पे। तो ये रहा गाइस टेबल लैंड।
यहाँ पे आपको मैं बता दूँ जहाँ की एक्टिविटीज़ है, यहाँ पे आप हॉर्स कार्ट राइड कर सकते हैं, हॉर्स राइड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको वैसे ब्रेकफास्ट रिफ्रेशमेंट भी बाहर बहुत सारी स्टॉल्स है वो भी आप कर सकते हैं, गेम्स वगैरह अवेलेबल है। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे आपको बड़ी सी पार्किंग भी कार के लिए बाहर अवेलेबल है। वैसे आपको मैं एक बात बता दूँ, जो टेबल लैंड है ये एशिया का सेकेंड लार्जेस्ट प्लेटू माना जाता है, जिसका आप यहाँ से काफ़ी शानदार व्यू देख सकते हैं। इसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज़ की भी शूटिंग हुई है। क्या है हमारी तो बढ़िया बढ़िया, कैसा लग रहा है आपको टेबल पे चल के? मस्त ना, हम टेबल पे अभी चल रहे हैं। दिस इज टेबल पॉइंट, टेबल पॉइंट बताओ उन लोगों को, टेबल पॉइंट ये दूर दूर तक टेबल पॉइंट है सर। ये टेबल का ऊपर का पैसेज है और ये टेबल पॉइंट का बताने वाला बंदा इधर है, इधर अगर कोई सबसे ज्यादा परेशान तो हम लोग अन्ना हो रहे हैं, हर जगह से यूटर्न मार रहा है, ये राइट से वो राइट, वो राइट से ये राइट, इधर यूटर्न उधर यूटर्न, लेकिन मैप के भरोसे आ रहे हैं, पूछ के आगे काम हो रहा है हम लोग का। और ये भाई कुछ किया नहीं है, सिर्फ फुकट बैठ के आया, लेकिन पीछे बैठे बैठे सो रहा है। ये वही ये का सो रहा भाई, मैं इंजॉय का पीछे के गाने कौन गा रहे भाई, हम लोग के गाने गा रहे यार, एंजॉयमेंट कर रहे। कौन सा गाना गा? एक सिंग आओ आओ ये नहीं ये उसके तो ये रहा गाइस आज का दूसरा पॉइंट पंचगनी का, जो कि है सिडनी पॉइंट। इसे सिडनी गार्डन भी कहा जाता है, सिडनी पॉइंट भी कहा जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा मेंटेन किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी साफ़ सुथरा मेंटेन किया है, नॉर्मल गार्डन टाइप इसे भी बनाया है। यहाँ पे आप काफ़ी पीस है, एक्चुअल में कोई ज़्यादा यहाँ पे टूरिस्ट है ही नहीं, पूरा खाली है। वो बात भी अलग है कि हम काफ़ी जल्दी आए, सुबह के अभी 9:30 बज रहे थे, इसलिए पूरा खाली मिला हमें। बट क्वालिटी स्पेंड कर टाइम स्पेंड करने के लिए ऑसम जगह है। तो आपको एक बार इसका व्यू काफ़ी अच्छे से दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरह का ब्यूटीफुल व्यू आपको सिडनी पॉइंट से देखने के लिए मिलता है। और अगर आप वहाँ पे देख सकते हैं तो उस तरफ गाइस पैराग्लाइडिंग होता है, बट हमें वहाँ पे नहीं जाने मिलेगा। लेकिन अगर आप देख सकते हैं जो अभी काफ़ी सनी वेदर है यहाँ पे, तो भी बहुत अच्छा व्यूज़ है। बट अगर आप, मैं प्रीफर करूँगा अगर आप यहाँ पे रेनी सीजन में आते हो, तो यहाँ पे फॉग के साथ रेन के साथ यहाँ का जो मज़ा है वो सीधा डबल हो जाता है। तो अब बारी है पंचगनी के तीसरे पॉइंट की, जो कि है पारसी पॉइंट, जो यहाँ पे पे एंड पार्क है। वैसे जितनी भी गाड़ी लगी है यहाँ पे आपको पे करना होता है पार्किंग का। तो चलिए सो पीपल, ये है पारसी पॉइंट, जिसका बेस्ट टाइम आपको विजिट करने के लिए है मॉर्निंग सनराइज एंड इवनिंग सनसेट के लिए। इसका टाइमिंग है वैसे 8 to 8। एंड इसके अलावा यहाँ पे जो पार्किंग है वो चार्जेबल है, एंड यहाँ पे आपको बहुत सारे स्टॉल्स देखने मिल जाते हैं, गेम्स एक्टिविटीज़ भी। तो गाइज मैंने डिसाइड किया है कि हम इसे 2 पार्ट में बनाएंगे। तो अभी ये जो मैं पहला पार्ट है इसमें सिर्फ पंचगनी कवर कर रहा हूँ, एंड इसके बाद जो मेरा सेकेंड पार्ट होगा उसमें हम महाबलेश्वर कवर करेंगे। तो ये पूरा व्लॉग हमारा पंचगनी पे ही होने वाला है। तो गाइस अब बारी है पंचगनी की आखिरी पॉइंट की, आखिरी पॉइंट मीन्स मैप्रो गार्डन की। तो ये आज का हमारा इस ब्लॉग का और पंचगनी का आखिरी डेस्टिनेशन होगा। बस अभी
मैप्रो गार्डन का एक राउंड मारेंगे, अगर कुछ पसंद आता है तो लेंगे। वैसे यहाँ पे तो सब जो शरबत वगैरह जैम्स जैम वगैरह जो होता है वही सब मिलता है, तो वही सब देखेंगे एंड फिर एंड करेंगे इस ब्लॉग को, क्योंकि जैसे मैंने आप लोग को बताया इसका बनेगा पार्ट टू, जो कि हम यहाँ से अभी जाएंगे आगे महाबलेश्वर, तो महाबलेश्वर आपको मैं अलग से बताऊँगा। तो चलिए मैप्रो गार्डन का भी एक झलक देख लेते हैं। तो गाइस ये है मैप्रो गार्डन के अंदर का स्टोर, जहाँ पे आपको जूस जैम सिरप चॉकलेट्स एंड ऑल मिलते हैं। बट फ़र्क ये है कि अगर आप बाहर से लेते हो तो आपको MRP में मिलता है, एंड अगर आप यहाँ से परचेस करते हो तो आपको यहाँ पे 10% MRP पे डिस्काउंट भी मिलता है। तो कुछ बहुत ही बड़ा बनाया है यहाँ पे, गार्डन भी है एंड आप यहाँ से जो भी चाहिए मनपसंद चॉकलेट वगैरह मैप्रो के परचेस भी कर सकते हैं, सबके अलग अलग सेट बनाए गए हैं। तो गाइस यही था मैप्रो गार्डन और यही था पंचगनी। पंचगनी का तो ब्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ और आपको अभी मैं सीधा मिलूँगा अगले ब्लॉग में, जो कि पार्ट टू होगा। पार्ट टू हमारा होगा महाबलेश्वर का ब्लॉग, तो स्टे ट्यून गाइस, वो ब्लॉग को भी देखना मत भूलिए। मिलते हैं। हाय गाइस, ये मेरे भाई का यूट्यूब चैनल है, इसको लाइक करो शेयर करो और सब्सक्राइब करो।